नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का। दहशत के 84 दिन हो चुके हैं, लेकिन आदमखोर भेड़ियों का आतंक है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा हमले में भेड़ियों ने 6 साल की बच्ची पर अटैक किया। हालांकि बच्ची के परिवार वालों ने वक्त रहते भेड़ियों का निवाला बनने से पहले उसे बचा लिया। वहीं गांव वाले अब भगवान भरोसे हैं, भगवान से अपनी रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वहीं न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आदमखोर ने एक बार फिर अमावस की रात में 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला। उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बार आदमखोर ने महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में अटैक किया। न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम जब हॉस्पिटल पहुंची, तो परिजनों ने बताया कैसे जब सब लोग सो चुके थे तब भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया। आज रात इन आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर महसी क्षेत्र के पड़ोया गांव में इस मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सतर्कता और चीख पुकार के चलते आदमखोर भेड़िया इसे छोड़कर भाग गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। इस वक्त इसके परिजन हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे भेड़िया पहुंचा था, कैसे आप लोगों ने बचाया, क्या किया? भेड़िया ने आप लोग हम लोग आई खाना पानी खा के सो गए तो आ गए हैं। सामने बरामदे में लेटी थी हमारी अम्मा था, पहुंच गए बस नटई ने पकड़ लिया। नटई ने पकड़ के हाँ ली तो दांत गड़ गए थे, खून चलने लगा। वो जैसा हल्ला दंगा भाव परिवार में उसे भाग ली। उस बाद में आए अस्पताल को भेज लेके आए, भर्ती है यहाँ। न्यूज 18 की टीम उस घर में पहुंची जहां भेड़िए ने बीती रात हमला किया था। बच्ची अपने घर के आंगन में परिजनों के साथ लेटी थी जब भेड़िए ने उस पर हमला किया। परिजनों ने रो रोकर बताया कि वो कितना खौफनाक मंजर था जब आदमखोर भेड़िया उनके सामने छोटी बच्ची को बुरी तरह नोच रहा था और अपने जबड़ों में खींच कर घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिजनों के जोर जोर से चीखने चिल्लाने के बाद भेड़िया वहां से भाग गया और वो किसी तरह अपनी बच्ची को बचा सके। गांव का वो घर दिखाना चाहूंगा जहां पर आज बीती रात इस भेड़िए ने हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये पटोहिया गांव का वही घर है जहां पर आज करीब 6 वर्ष की मासूम पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया था। आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे में वो बच्ची लेटी हुई थी और करीब 11 से 12 के बीच इस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। उस वक्त बच्ची के साथ उसकी दादी भी मौजूद थी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अम्मा कैसे कब और कितने बजे भेड़िया आया था। भेड़िया आया था कि जैसे वहाँ नींद पड़ ही रहा है, मैंने इनके रहते से आएगा तो चार नोच लिया हम अपने लंग, वो अपने लंग खींचे तब नोच पावा तले सब चोला मोहल्ला दौड़े। तो यहाँ दरवाजा नहीं था आप? नहीं, हाँ। कुछ नहीं हाँ। मैंने ही मर गया तब बनवाए कहीं यहाँ तो वैसे रह गया लड़का एक है जी के मनो पागल कुछ करता नहीं। जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर जितने 80% केस सामने आ रहे हैं उसमें यही सबसे बड़ा कारण है कि घर में दरवाजा न होने के कारण ये ऐसे केसेस होते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। भेड़िए से बचने के लिए अपने स्तर से ग्रामीण हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ शुरू कर दी। भेड़ियों से रक्षा के लिए सुंदर कांड का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने भेड़ियों से रक्षा के लिए अब हनुमान जी का सहारा लिया है। भेड़िए की दहशत पूरे बहराइच जनपद में, और ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि भेड़िया कब किसको अपना शिकार बनाए उन्हें पता नहीं, इसलिए मंगल का दिन आज देख सकते हैं कि इस मंदिर में किस तरह भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका ये कहना है कि भगवान ही उनका एक सहारा है और हनुमान जी से गुजारिश कर रहे हैं, हनुमान से गुहार लगा रहे हैं
कि उनकी रक्षा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये प्रकरण हो रहे हैं ये चिंता का विषय। ऐसे में ग्राम प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी, कौन सा गांव है और पूजन क्यों करवा रहे हैं? पूजन सर इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे गांव में भेड़िया बहुत आतंक कर रहा है सर, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग कि भेड़िया से मुक्ति दिलाए जी। सर आप बताइए, क्या कोई घटना हुई थी आपके गांव? हमारे गांव में 27 जुलाई को 2 वर्ष की बच्ची थी, उसको जानवर ने निवाला बनाया था और इसी लिए हम लोग पूजा करा रहे हैं कि यहाँ से जानवर भाग जाए सर। भाग जाए। अम्मा बताइए, कितना डर बना हुआ है आपके बच्चे? बहुत डर है, आज कोई व्यवस्था ना है पल्ला दरवाजा के, भगवान की दया से बस इनके। सीताराम बोलिए, बताइए बस। सीताराम सीताराम बोलिए। बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर सभी अस्पतालों में अलर्ट है। महसी CHC में भेड़िये के हमले में घायलों के इलाज के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सभी बेसिक लेवल से और लेके जल्द इलाज होता है और भेड़िये के लिए हम लोगों ने सारे ARVs अवेलेबल हैं पर्याप्त मात्रा में। हमारी डॉक्टरों की टीम तैनात है, आशा NMs जो हैं वो लोगों को डोर टू डोर जाके कैंपेन करके जागरूक कर रही हैं और हमारा कुष्ठ रोग भी खोजी अभियान भी उसी के तहत चला रही हैं। बहराइच में भेड़िये ने 27 जुलाई को चंपरपुरवा में 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया था। बच्ची की मौत के बाद से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। रोज ग्रामीण 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं, दिन में बुजुर्ग, दोपहर में महिलाएं और शाम के बाद से युवा भेड़िये के आतंक से ग्रामीणों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की। पिछले कई दिनों से दहशत का प्राय बना हुआ है। इस वक्त न्यूज 18 टीम चवरणपुरवा में है जहां 27 जुलाई को भेड़िये ने एक 2.5 से 3 साल की बच्ची को यहीं सुटा लिया। और देखिए उसका घर ठीक सामने जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये उसका परिवार है जहां से घर के बाहर से भेड़िया उठा के ले गया और उसे मौत के मुहाने पहुंचा दिया। और उसके बाद से ग्रामीण दहशत में मैं और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है लोग अभी भी वो मंजर वो दिन नहीं भुला पाए। हाँ, लोग सब ड्यूटी कर रहे हैं गांव के, अपने जैसे BDC है, प्रधान है, पंचायत, जैसे ड्यूटी करे गाँव अपने सब लोग ड्यूटी करे, क्या करें। तो लाठी डंडे लेके चलते? हाँ, लाठी डंडे लेके चला जाता। आप बताइए कितना भैया, अगर जो बल बिहारी जो टीम आ जाए तो ये गन्ना वहाँ प्रधान जी गन्ना वहाँ के अशोक के गन्ना वहाँ पकड़ लिया जाए। अभी सुबह भी टहलता था और कोई रात में आए कहा घूम टहल कहा चले जाते हैं, तो क्या करे, रात भर तो कोई उपाय है नहीं। और हम सब बताओ लड़का घर में कह दी और रहा भी तो दुश्वार है कहाँ पहुँच गई। तो आपने अधिकारियों को बताया नहीं कि खेतों में रहता है? सब कोई जान है, बस सब घूम टहल कहा रात का ही है, पर गश्त लगाई है, पर देखिए गांव वहाँ टहलिया घूमने चले गई है। कितना दहशत बनी है तेंदुए की, काम करने खेत में जा रहे हैं आप लोग? और इमार संध्या का यहाँ आ जाते हैं और पूरी रात परेशान करते हैं दिन में। और घर बना है कि नहीं? हाँ, घर बना है। घर बना रहता है कि? हाँ, बच्चों घर के अंदर रख रहे हो? हाँ, बच्चों के यहाँ अंदर रखे हैं और हम सब बाहर बैठ रहे थे, रात भर जागे थे। पूरा पूरा तो आप देख सकते हैं कि अगर गांव की बार मैं अपने कैमरा सकों को दिखाइए, पूरे ग्रामीण दहशत में। हालांकि 27 जुलाई के बाद यहाँ नहीं देखा गया है, लेकिन उसके बाद भी चमरपुरवा के लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हमारी रातों की नींद और दिन का चैन या दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। गांव के 5-5 करके लोग ड्यूटी देते हैं ताकि गांव के बच्चे, गांव के बुजुर्ग, गांव की महिलाएं सुरक्षित रहें। जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 चमरपुरवा बहराइच। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमावस की रात को न्यूज 18 की टीम ने पूरी रात गांव वालों के साथ पहरा दिया, हर मूवमेंट पर नजर बना रखी ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा सकें। और देखिए बहराइच में अमावस की रात न्यूज 18 की टीम ने क्या कुछ देखा। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात को भी एक बच्ची पर हमला हुआ। हालांकि न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, रात भर हमारे संवाददाता फील्ड पर रहे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। दिखाते हैं आपको पूरी रात कैसे न्यूज 18 की टीम ने भेड़िये की हर आहट पर नजर बनाए रखी। सड़कें सूनी पड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और आदमखोर की दहशत थी। भेड़िये की दहशत लोगों के जहन और दिल में मौजूद है। इस वक्त न्यूज 18 टीम
ग्राउंड जीरो पर कटाई घाट पर है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पूरी नहर निकल रही है, और नहर के आगे की अगर बात की जाए, देखिए हम लोग और नीचे तक आने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि ये पूरा रास्ता यहां से लेके जाता है जहां ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वो दहशत में, और जहां तक दूर तक मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा और आगे तक का पूरा दिखाएं, रात के लगभग इस वक्त 11 बज के, मैं अपनी घड़ी दिखाना चाहूंगा, देखिये 11 बज के 40 मिनट हो चुके हैं और रात का समय है और सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा है। जहां तक खेत में देखा जाए कोई न ग्रामीण और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहां खड़ा हो सके। दहशत ऐसी कि लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर रखा है, क्योंकि पहले तो लोग घर के बाहर थे, सोते थे, क्योंकि गर्मी में लोग ऐसे मोस्टली गांव में सोते हैं, मगर दहशत ऐसी है कि यहां सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग, इक्का दुक्का पुलिस की गाड़ियां निकल रही है और गांव के अंदर वो भी नहीं जा रही है, और ऐसे में ग्रामीण दहशत में, हालांकि फॉरेस्ट और पुलिस की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही। बहराइच की तरह ही मिर्जापुर के शुक्ला मजारा में भी आदमखोर की दहशत दिखाई दी, हालांकि वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग पर रही। हमारे संवाददाता रात करीब 1:20 पर भी ग्राउंड जीरो पर ही थे। भेड़िए की दहशत बरकरार है और ऐसे में जहां एक और वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग कर रही है तो वहीं पुलिस भी कर रही है और न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। हम लोग इस वक्त मिर्जापुर सकला मजारा में हैं। रात का 1 बजे का वक्त है, 1:20 इस वक्त हो रहा है। आप घड़ी देख सकते हैं, 1:20 का देर रात का। सड़क की बात की जाए, देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर लोग घरों के बाहर बैठते हैं या ग्रामीण अंचलों में, मगर इस वक्त 1:30 का वक्त है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। न आदमी और न ही कोई ऐसा व्यक्ति गांव का जो इस वक्त है, क्योंकि पहले तो आमतौर पर 2 दिन तक लोगों ने इस क्षेत्र में ड्यूटियां दी लाठी डंडे लेकर, मगर जिस प्रकार से एक बच्चे को भेड़िए ने उठाया और महिला को घायल किया, ये दहशत लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है और लोग इसी वजह से डरे और सहमे हुए और घरों से नहीं निकले, दुबके हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने भी इनको ये निर्देश दिए कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। बहराइच के रामगढ़ गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची। रात के लगभग 2:10 हो रहे थे। कुछ दिन पहले तक यहां भी लोगों का पहरा था, मगर अब सन्नाटा दिखा। वो इसलिए कि आदमखोर की दहशत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 1 महीने से भेड़िया परेशानी का सबब बनाया अधिकारियों के लिए और ग्रामीणों के लिए। इस वक्त न्यूज 18 टीम रामगंग गांव में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये गांव है जहां किसानों की फसलें खड़ी हैं और ऐसे में लोगों को इस बात का डर सता रहा है कहीं भेड़िया ना आ जाए, और ऐसे में आप चलिए मैं अपने गांव को, इस गांव के छोर देखे हैंडपाइप लगाए। आमतौर पर इन खोखों में, गुमटियों में कोई ना कोई रखवाली के लिए बैठता था, मगर यहां इस वक्त कोई भी नहीं है। और अगर इधर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें खड़ी हैं और अभी भी इस वक्त, जबकि रात के हम अगर टाइम की आपको बात बताएं तो देखिए टाइम की बात के 2:12 हो रहे हैं, रात के 2:12 हो रहे हैं और न्यूज 18 की टीम इस वक्त यहां इस गांव में खड़ी है और ये यहां ये सब हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर खड़ी है। बहराइच के इंदापुरवा गांव भी न्यूज 18 की टीम पहुंची और उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ी जहां से आदमखोर दबे पांव गांव की ओर निकला था। ये वो ही रास्ता है जहां से भेड़िया आया और लोगों पर हमला किया। भेड़िया ने कईयों पर हमला किया और कईयों को काल के गाल में पहुंचा दिया, और ऐसे में पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग की टीम और 1 दर्जन सादा ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त इंदुपुरवा गांव में मौजूद हैं। अगर समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर समय हम देखें तो ये देखें 3:19 सुबह के हो रहे हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं, न्यूज 18 टीम इस पूरे इंदुपुरवा की उसी जगह है जहां से ये बात हुई थी कि भेड़िया आया और इसी जगह से होते हुए गया। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा कि और थोड़ा इसको क्लोज करें कि देखिए कहां तक, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 3:20 का फिर से देखिए 3:20 का समय है और ये लगभग अब ये वो समय है कि अब 1-2 घंटे बाद सूरज की किरणें भी थोड़ी थोड़ी आने लगती हैं और हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। बहराइच के महसी गांव में सुबह के करीब 4 बजे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। ये वही इलाका है जहां पर आदमखोर के आतंक की वजह से लोग डरे हुए हैं, मगर हमारी टीम रात भर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। इस वक्त न्यूज 18 की टीम बहराइच के मैसी गांव में है। इस गांव के आसपास के तमाम जगह भेड़िया देखा गया था।
पिछले कई दिनों से ग्रामीण लाठी डंडे लेकर इन्हीं जगहों पर इन्हीं पर डंडियों पर चलते नजर आए। इस वक्त हम न्यूज 18 टीम इस गांव में मसी में मौजूद है और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा गोपी से कि आप इसको और पैन करके दिखाएं। पहले तो समय की हम बात अगर करें, जिस समय की बात की जाती है कि किस वक्त भेड़िया का रहता है, तो एक समय की बात करें, इस समय को थोड़ा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको टाइम जरूर लोगों को दिखाएं, हमारे जो दर्शक है उन्हें टाइम दिखाएं कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग इस वक्त हो रही है। 4:01 यानी 4:01 सुबह का समय होता है और सुबह के वक्त आमतौर पर लोग नेचुरल कॉल के लिए गांव में निकलते हैं, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा पसरा है क्योंकि कुछ दिन से जब से इस भेड़िये की दहशत, इस जंगली जानवर की दहशत है, तो लोग अब कम निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम यहां इस वक्त मौजूद है और जहां दाएं बाएं दोनों तरफ जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा। फसलें जरूर खड़ी हैं मगर कोई भी यहां ना चौकीदार है और ना ही कोई ऐसा ग्रामीण है जो अपनी फसलों की रखवाली के लिए खड़ा है। कोई सबसे बड़ा इसका कारण यहां भेड़िये की दहशत, और ऐसे में हम लोग यहां मौजूद हैं ये बताने के लिए कि अभी इस गांव में भी भेड़िया नहीं है। अभी यानी पूर्व की रात में जिस प्रकार से बच्ची पर हमला किया था, इस वक्त यहां कोई ऐसी दहशत देखने को नहीं मिल रही। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, मैसी, बहराइच। कहीं कानून का उल्लंघन हो तो कलेक्टर को एक्शन लेते देखा होगा आपने, लेकिन मंदसौर में कलेक्टर कार्यालय की कुर्की के ही आदेश जारी हो गए। कोर्ट ने आखिर क्यों दिया यह आदेश, आइए जानते हैं। एक कार, 10 कंप्यूटर, 12 प्रिंटर, 8 एसी और 70 पंखे, ये वो सामान है जिनकी कुर्की का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। सामान की ये लिस्ट किसी अपराधी के घर या किसी दुकान की नहीं है, कलेक्टर कार्यालय की है। आप सोचेंगे कुर्की से कलेक्टर कार्यालय का क्या नाता, कहीं कोर्ट ने कलेक्टर कार्यालय की कुर्की का आदेश तो नहीं जारी कर दिया। जी हाँ, कोर्ट ने यही किया है। कोर्ट ने मंदसौर कलेक्टर कार्यालय की सरकारी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ये आदेश 2013 में हुए हादसे को लेकर दिया है जिसमें तत्कालीन SDM अर्जुन सिंह ठाकुर की गाड़ी से हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 2016 में 50 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे, लेकिन मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। माननीय न्यायालय ने मृतकों के परिवारों का पक्ष मजबूत मानते हुए अवार्ड शासन के विरुद्ध प्रहित किया गया था, जिसमें करीब 50 लाख रुपए की दोनों मृतकों की ओर से राशि की वसूली होना है। और लंबे समय से उस प्रकरण में 2016 में अवार्ड पारित हो चुका था। 2016 से लेकर अभी तक न्यायालय के आदेश की पालना कलेक्टर द्वारा नहीं की जा रही थी, न मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की जा रही थी, तो मजबूरन न्यायालय ने कुर्की वारंट का आदेश दिया गया था। अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए कलेक्टर कार्यालय की कुर्की के आदेश दिए हैं और कोर्ट के इस आदेश से हड़कंप मच गया है। 2013 में तत्कालीन SDM अर्जुन सिंह ठाकुर के शासकीय वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में न्यायालय ने लगभग 50 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया। 2016 से लगाकर अभी तक न्यायालय के द्वारा कई बार कलेक्टर को क्षतिपूर्ति करने के आदेश दिए दिए गए थे, लेकिन न्यायालय की अवमानना के चलते अब न्यायालय ने शासकीय संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं, जिसमें शासकीय वाहन, AC, कूलर, पंखे, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई अन्य बेशकीमती सामान है जो नीलाम किए जाएंगे, जिनकी कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा न्यायालय के आदेश का शासन कितनी गंभीरता से पालन करता है, क्या पीड़ित को 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे या शासकीय संपत्ति की नीलामी ही करना पड़ेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। सागर में एक परिवार अपने लाडले की तलाश कर रहा है। यह लाडला उनका प्यारा डॉग टॉमी है। टॉमी को किसी ने चोरी कर लिया है। पुलिस भी टॉमी की तलाश में जुट गई है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली ज्योति सोनी और इनका पूरा परिवार परेशान है। कभी थाने जा रहे हैं तो कभी खुद शहर की खाक छान रहे हैं।
गली गली ढूंढ रहे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, इनाम तक घोषित किया है, कोई इनके लाडले को घर पहुंचा दे। इनका लाडला कोई इंसान नहीं, एक डॉग है। जी हाँ, ज्योति सोनी का प्यारा डॉग टॉमी खो गया है, या यूं कहे किसी ने चुरा लिया है। टॉमी इनके लिए जिगर के टुकड़े से कम नहीं, ये पूरे परिवार का लाडला था, लेकिन जाने कौन टॉमी को चुरा ले गया। टॉमी को ढूंढने में पूरा परिवार जुटा है, घर के लोगों ने हर जगह टॉमी को ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। आखिरकार ये पुलिस के पास गए और टॉमी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। हमने मोतीनगर थाने में आवेदन दिया है, मेरे डॉग को चोरी कर ले गए हैं। 28/8/2024 को नाइट में रात 8:15 बजे के करीब यहाँ घर के अंदर से छोड़कर लेके गया है। व्हाइट कलर का डॉगी, टॉमी नाम है उसका, थोड़ा लाल धब्बे हैं। तो मोतीनगर थाने में हमने दूसरे दिन जाके आवेदन दिया और उस दिन पूरी रात घूमे हैं, दिन में मतलब 3-4 दिन से, 28 तारीख से जो हम आज तक अभी तक घूमते ही रह रहे हैं 24 घंटा। देखो, थाने में भी हम कम से कम 10 बार जा रहे हैंगे कि हमारी आवेदन लिखवाया, उसके बाद फोटो दी डॉग की, और उसके बाद कल की तारीख में हमने FIR की। TI साहब ने बोला FIR करवा दो, FIR करवाई। टॉमी की तलाश में परिवार के लोग हर जगह घूम रहे हैं। इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में जाकर CCTV फुटेज तक देखा, जिसमें इन्हें प्यारा टॉमी नजर आया। एक युवक डॉग को लेकर जाते हुए दिखाई दिया, आखिर ये युवक कौन है जो टॉमी को चुरा ले गया, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। हमने शहर का ऐसा कोई वो नहीं, मोहल्ला ना होगा या कहीं ऐसा ना हो कि हमने सब जगह एक एक पूरी पूरी रात आटो खुद का आटो करके और पूरी पूरी रात और दिनों पूरे बाल बच्चों को लुआ के मोहल्ले के सबको लुआ जाके घूम रहा, कोई यहाँ जा रहा तो कोई वहाँ जा रहा तो कोई वहाँ जा रहा। आप पूरी रास्ते में पूछ सकते हो कि ये मैडम कितने कितने बजे तक आती है, कितने कितने बजे तक देखती है। ज्योति सोनी ने टॉमी के लिए इनाम की घोषणा भी की है, जो भी टॉमी का पता बताएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। परिवार के लोग खुद भी शहर भर में टॉमी की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने किराए पर एक ऑटो तक कर लिया है। यदि हमारा मिल जाएगा हम 5,001 रुपए इनाम देंगे, जिस जो भी लेके आएगा उसको देंगे, हम तुरंत देंगे बिल्कुल। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमारी पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा ढूंढ कर देवे, क्योंकि हमने FIR की है जिस अज्ञात आदमी लेके गया है। ऐसा कौन आदमी हो जो घर में घुस के, एक चोरी का मामला एक अपराध है बहुत बड़ा, कि घर में घुस के आज तुमने कुत्ते को ले गए, क्या पता तुम किस चीज में डाका डाल दोगे। इस परिवार के लिए टॉमी सिर्फ एक डॉग नहीं, ये उनका लाडला है। अपने डॉग की तलाश के लिए परिवार हर कोशिश कर रहा है, पुलिस भी टॉमी की तलाश में जुटी हुई है। News 18 के लिए सागर से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। पतंजलि कच्ची